पहली बार आयोजित हो रही महिला प्रीमियर लीग अब अपने प्लेऑफ मुकाबले की ओर कदम बढ़ा रही है। गुजरात जायंट्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने इस सीजन की लगातार पांचवी जीत दर्ज की है और इसी के साथ उसने प्लेऑफ में अपनी जगह भी बना ली है। अब सवाल ये उठता है कि बाकी टीमों का क्या होगा और क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है। दरअसल आरसीबी महिला टीम के लिए अभी तक विमेंस प्रीमियर लीग का पहला संस्करण काफी खराब बीता, जिसमें वे 5 मैच खेलने के बाद एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। 14 मार्च तक की स्थिति को अगर देखा जाए तो 10 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस टॉप पर है। दिल्ली कैपिटल्स 8 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर, यानी ये दो टीमें अभी सीधा फाइनल में जाने की रेस में हैं। बता दें कि WPL में हर टीम को 8-8 मैच खेलने हैं, ऐसे में जो भी टीम अंत में टॉप पर रहेगी वही टीम फाइनल में जाएगी। अगर बाकी टीमों के संस्करण को देखें तो UP वॉरियर्स और गुजरात जॉइंट्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 और नंबर 4 पर हैं। ऐसे में इन टीमों के पास एक अच्छा मौका है कि वह टॉप 2 में जगह बना सके, लेकिन मुश्किल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आगे है जो 5 के 5 मैच हार चुकी है। उनके लिए यहां पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। आरसीबी के पास अभी 3 मैच बाकी हैं। अगर वह अपने तीनों मैच जीत जाती है तो उसके कुल 6 पॉइंट्स होंगे, लेकिन तब भी उसे दूसरी टीमों की किस्मत पर निर्भर रहना होगा। अगर मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें अपने बाकी मैच जीतती है तो आरसीबी को फायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसे में गुजरात यूपी की हार होगी और आरसीबी को आगे जाने का मौका मिलेगा। आरसीबी चाहेगी कि गुजरात यूपी के साथ होने वाले अपने मैच में जीत हासिल करे, जबकि अपने बाकी मुकाबले हार जाए। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स भी अब मान रहे हैं कि आरसीबी के लिए प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं, क्योंकि काफी कुछ समीकरण और गणित पर निर्भर भी करता है। हालांकि हमने IPL में देखा है कि किस तरह चीजें बदलती हैं और यहां पर भी ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि WPL का एलिमिनेटर मुकाबला 24 मार्च शुक्रवार को खेला जाएगा, तो वहीं फाइनल मुकाबला रविवार 26 मार्च को खेला जाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।